हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए एक नए वीडियो के लेकर, जिसमें हम एक नया प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नो ऑडियो प्रॉब्लम। तो ये नो ऑडियो प्रॉब्लम क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है, तो आज हम इस वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं इसका तीन सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मैं तीन तरह के तरीके बताऊँगा, तीन तरह के मेथड बताऊँगा, जिससे नो ऑडियो के प्रॉब्लम से हम निपट सकते हैं। तो दोस्तों, नो ऑडियो का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारा सिस्टम ऑडियो प्ले करना या साउंड आउटपुट करना बंद कर देता है। आप जितना भी सेटिंग में जा ले या एक्सटर्नल स्पीकर लगा ले, आपका साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो ये तीन सीरीज में मैं तीन तरह के सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें से पहला सॉल्यूशन ये आपके वीडियो में रहा। तो दोस्तों, ये है मेरा डेस्कटॉप, ध्यान से देखिएगा, विंडोज 8.1 और 10 के यूजर्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस स्टार्ट बार में, मतलब आपको इस विंडोज के आइकन में राइट क्लिक करना है। मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट को ढूंढना है। मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट ढूंढा और उसे एक बार क्लिक किया। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट का मेरे पास टास्क बार खुल गया। आपको इसके बाद आपको क्या करना है, सर्विस एंड एप्लीकेशन ढूंढना है। ये सबसे नीचे वाला रहा सर्विस एंड एप्लीकेशन, डबल क्लिक करके आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन सर्विसेज, सर्विसेज को खोल लेना है। उसके बाद आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा, जिसमें से आपको स्क्रॉल डाउन करके विंडोज़ ऑडियो को खोजना है। तो ये ध्यान से देखिएगा, विंडोज़ ऑडियो और कुछ नहीं बल्कि विंडोज़ ऑडियो। तो ये विंडोज़ ऑडियो, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर रहा। आपको एक पर्पस इसको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। एक बार क्या करना है, बस लेफ्ट क्लिक करना है। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉप द सर्विस और स्टार्ट द सर्विस। अगर आपका विंडोज़ का ऑडियो नहीं आ रहा है और विंडोज़ ऑडियो के आइकन में नो का साइन बन गया, मतलब नो एंट्री का जैसे साइन रहता है, मतलब नो ऑडियो आउटपुट का साइन बन गया, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन दबा देना है। इससे क्या होगा, अगर हो सकता है कि आपका विंडोज़ का जो पैकेज होगा या विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होगा वो अनइंस्टॉल होगा या परमानेंटली क्या होगा, नॉट इनेबल होगा, जैसे हम इनेबल बोलते हैं ना, नॉट इनेबल्ड होगा। तो ये रिस्टार्ट क्या करता है, एक बार प्योरली आपका शुरू से आपका विंडोज़ ऑडियो को जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रहता है उसे स्टार्ट करता है। तो इस रिस्टार्ट द सर्विस से क्या होगा, आपका विंडोज़ ऑडियो वापस आ जाएगा और ये सबसे इफेक्टिव स्टेप था। लेकिन इससे भी अगर आपका विंडोज़ ऑडियो वापस नहीं आता तो दो स्टेप मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं उनका लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।